नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर में एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें बानसूर में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बांसदयाल थाने के स्थानांतरण को लेकर भी विरोध जताया। थाना खुलने के बाद आप देखेंगे कि उस नदी में कोई इस तरीके की वारदात नहीं, तो ये चीजें चाहे हरसोरा थाना भी अभी खुला था, बाद में बानसूर में डिप्टी ऑफिस खोला गया, तो हम धन्यवाद देते सरकार को, बीजेपी की सरकार को, कि वो कराना में एडिशनल ऑफिस खोल दें और नया एक ड्यूटी ऑफिस खोलें, नया थाना खुलवाएं, तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि थाने को ही वहाँ से उठा करके वहाँ स्थापित कर रहे हैं? तो ये एक बड़ी शर्म की बात है कि जनता में किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं। कुछ करना है तो नया काम करके दिखाएं, जैसे कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने की, नारायणपुर में तहसील बनाया, एसडीएम ऑफिस बनाया, वहाँ अंबेडकर छात्रावास बन रहा है करोड़ों का, शानदार डबल मंजिल का, एक्शन ऑफिस खुलवाए, यहाँ बानसूर में नगर पालिका बनाया और पर्सनल मंडी खुलवाई, एसीजीएम कोर्ट खुलवाए, और उससे भी सबसे बड़ा काम जो हमारा ट्रोमा सेंटर का बड़े अस्पताल का चल रहा है। तो ऐसे काम करने के लिए तो हम कहें कि तहसील बनाए, कहीं कुछ और नया काम करें, कराना में वहाँ पर एडिशनल ऑफिस खोल करके वहाँ नगर पालिका बना दीजिए, जिससे कि वहाँ कराना वालों का भी भला हो जाएगा और पुलिस व्यवस्था में बड़ी मुश्किल से कुछ हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव डिप्टी ऑफिस थानागाजी में लगते थे, कुछ हमारे ततारपुर थाने में गाँव लगते थे, बिजली के लिए कुछ को अलवर में एक्शन ऑफिस लगता था, कोई थानागाजी लगता था, एक्शन ऑफिस हमारा भैरोड लगता था। तो हमने इन चीज़ों को एकत्रित करके बानसूर को संगठित किया, मैंने एक्शन ऑफिस बानसूर में खुलवाया कि हमारे बानसूर वासियों को कहीं दूसरी तहसील में दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, अपने बानसूर में ही उनको सारी सुविधा मिले। डिप्टी ऑफिस भी बानसूर में खुलवाया, सारे जो हमारे गांव बिखरे हुए थे उनको बानसूर ही डिप्टी ऑफिसों में थानों के अंदर में मैंने लिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की कि नारायणपुर वालों को थानागाजी नहीं जाना पड़े, इसलिए वहाँ तहसील और एसडीएम ऑफिस खुलवाए, एएन ऑफिस खुलवाए, और बानसूर वालों को भैरोड नहीं जाना पड़े, इसलिए यहाँ पर एक्शन ऑफिस खुलवाया, और डिप्टी ऑफिस के अंडर में ही मैंने नारायणपुर थाना को करवाया कि भाई उनको वहाँ थानागाजी नहीं जाना पड़े। तो ये सारा एक बानसूर व्यवस्थित हुआ था। तो अब बीजेपी की सरकार इसे बिखेरने का जो काम कर रही है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम काम को आगे बढ़ाने का काम करें। बस डिपो की जमीन आवंटित हो गई तो उसको बनवाएं, और जो काम अधूरे उन्हें पूरा करें, कोई नया काम करें, इस तरीके के काम नहीं करें तो ठीक रहेगा। बाकी सोच होती है जिसकी, आप देख रहे हैं कि जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, उस दिन के बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके से भाषण दिए गए थे, किस तरीके से खोखले वादे किए गए थे कि ये कर देंगे, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन के बाद पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रहा है, अपने बानसूर में क्या हाल हो रहा है कानून व्यवस्था का, बहुत हल्ला मचाया गया था, बहुत भाषण दिए गए थे कि भूपसेड़ा कांड ऐसा है कांग्रेस की सरकार नहीं खुलवा रही है। अब कितने महीने हो गए सरकार बने हुए, से एक साल होने को आ रहा है, तो क्यों नहीं उनको खोला जाए? पहले कहते मंत्री अवैध खनन चला रही है, अब क्या अवैध खनन क्या खुद चलवा रहे हैं, क्या चक्कर है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी खाने वापस से चलवाना, क्यों वो मर्डर नहीं खुलवाना, ऐसा हो गया। आप देखिए कि आप किस तरीके से रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, अपने खरखड़ी के एक व्यक्ति का मर्डर हो गया जो कि नारायणपुर तहसील का लगता है, कितनी पुलिस में लूटपाट हो रही है। तो कानून व्यवस्था का क्या हाल बना हुआ है, बीजेपी सरकार क्यों नहीं जाग रही? और उससे भी बड़ा उदाहरण आप देखिए कि न्यूज के जरिए लोग व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं भाई बीजेपी सरकार काम करना तो दूर की बात है, क्यों नहीं ग्राम पंचायतों को विधायक कोटा देके विकास के काम वाम करवाए।